अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी फ्रिज जो है उसका कह लें टूर करा दूँ, या हाउ आई ऑर्गेनाइज माई फ्रिज वाली वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। सो हेयर इट इज़। और फाइनली जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि फ्रिज को मैंने पूरा क्लीन किया था, और कैसे किया था वो सब डिटेल आप फिर प्रीवियस वीडियो में देखिए। तो फ्रीज़र जो है वो तो ऑलरेडी सेट था, और उसको मैंने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, एक दो चीज़ें बाय की थी बस वो मैंने रखी हैं। और जब दूसरी साइड है उसमें मैंने जो भी आज लेटेस्ट ग्रोसरी बाय की, प्लस मैं डॉलर स्टोर गई थी कुछ कंटेनर्स के लिए, वो सब डिटेल्स मैं आपको जैसे जैसे रैक्स बताती जाऊँगी तो वो भी मैं आपको साथ साथ में डिटेल दे दूंगी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको करवाती हूँ फ्रिज का टूर। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये रखे हुए हैं ब्राउन एग्स, यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं सब सॉस वगैरह। सो दिस इज़ टैमरिन सॉस, केचप, मेयोनीज, दिस इज़ हॉट सॉस, चॉकलेट सॉस, एचपी सॉस, और ये कैचअप की फुल बॉटल। तो यहाँ पे सारी सॉस वगैरह होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये है इमली की चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, और ये क्या है, ये स्ट्रॉबेरी जैम, ये भी स्ट्रॉबेरी जैम, और पीछे ये क्या है, दिस इज़ जस्ट वन सेकेंड, ये है ऑर्गेनिक मेपल सिरप, पीछे वो मस्टर्ड पेस्ट, ये गार्लिक सॉस, ये पपाया पेस्ट, और ये पीछे भी इमली की चटनी। सो यहाँ पे तमाम एक साइज़ की कह लें जैम और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं, बट आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में काइंड ऑफ इक्वल हैं, तो उन सबको मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। अच्छा, ये है, ये भी मेपल सिरप है, तो कभी ये भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हम लोग का फेवरेट सोडा कैनेडा ड्राई, और ये कोक, जो कि पता नहीं शायद कोई भी नहीं पिएगा। खैर, ये मिल्क रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे है कस्टर्ड दही, और ये क्या है, ऑयस्टर सॉस, दैट्स इट। ऐसा है कि जो चीज़ें एक्सपायर हो रही होती हैं, या आप लोगों को पता है हम लोग ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो अक्सर फीमेल्स जो हैं वो एडिशनल चीज़ें भी उठा लेती हैं, एंड देन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ओहो ये तो हम यूज़ ही नहीं करते। तो आपको जिस दिन भी ये रियलाइज़ हो ना, तो आप ये किया करें कि फिर उसे डिस्कार्ड कर दिया करें, उसको फ्रिज में रख रख के बस वो बॉटल जो है वो जगह ही ले रही होती है, लेकिन वो यूज़ में कभी भी नहीं आती। तो ऐसी चीज़ों को आप सॉर्ट कर दिया करें। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अब ये पूरा सेक्शन, और आप देख सकते हैं पहले भी जब मैं सफाई भी कर रही थी आपने देखा होगा कि फ्रिज बहुत जैसे पैक हुई हुई होती है ना, भरी हुई भी होती है, वो मैं नहीं होने देती। उसका रीज़न यही है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश खाना पकता है और यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा पका पका के स्टैकअप मैं नहीं करती, कभी कर भी लेती हूँ बट बहुत कम। तो बाकी ये कि बस पहले भी मैंने यही कहा था वीडियो में कि वही, और बाकी बस ये कि आप वही चीज़ें बाय किया करें जो आप यूज़ भी करते हैं। सो बिला वजह की इतनी चीज़ें लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको ये ख़ुद यू नो कैलकुलेट करना चाहिए कि आप क्या यूज़ करते हैं और क्या यूज़ नहीं करते। जो चीज़ें आप और आपकी फैमिली कंज्यूम करते हैं वही बाय किया करें। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉप रैक्स। ओके, सो ये रखा हुआ है पाइनएप्पल, इसको मैं कट करके जूस के लिए यूज़ करती हूँ, और ये रोस्टेड गार्लिक सालसा। आ जाते हैं सेकंड रैक पर, और ये रखे हुए हैं अंडे। मैं क्या करती हूँ, क्रेट में से निकाल के मैं इस तरह से बॉक्स में रख देती हूँ ताकि सुबह नाश्ते में आसानी हो जाए। पीछे रखा हुआ है वो मार्जरीन, दिस इज़ वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। थर्ड रैक में दिस इज़ मिंट, यानी कि पुदीना, और वैसे पुदीना नीचे एक बॉक्स में भी है,
बट मैं कुछ फ्रेश ज़्यादा देर रखने के लिए कुछ पुदीना, इस तरह से एक जार लीजिए आप, मेज़न जार, उसमें पानी डालें और इस तरह से पुदीना आप इसमें डाल के ऊपर से ग्लैड रैप लगा दीजिए, तो बहुत दिन तक फ्रेश रहता है एंड प्लस इट लुक्स नाइस इन योर फ्रिज। ओके, ये रखा हुआ है दही और वो पीछे गार्लिक सॉस। और अब मैं आपको ये डेली ड्रॉअर दिखा देती हूँ। डेली ड्रॉअर का ऐसा है कि इसमें कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैंने इंटरनेट पर देखा, सर्च किया, थोड़ा सा वर्किंग की थी, और लेकिन पहले से भी मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ये जो होता है ना कुक्ड मीट के स्लाइसेस वगैरह, चीज़, ये सब आप डेली ड्रॉअर में रखा करें। इससे क्या होता है कि वो इधर उधर आपके बाकी के फ्रिज के साथ एक तो मिक्सअप नहीं होते और इसके अंदर बिल्कुल सही रहते हैं वो काफ़ी देर तक। अच्छा, ये जो सब आप देख रहे हैं ना, ये कुक्ड मीट, ये मैंने लाइक 2 साल पहले शायद बाय किया था, हम इतना यूज़ नहीं करते। ये अभी बस मैंने आपको बताया ना, सुबह मैं गई थी ग्रोसरी पे, तो जस्ट ऐसे ही दिल किया जस्ट फॉर चेंज। तो और ये सब, जैसे ये स्मोक चिकन और चिकन लोफ वगैरह, ये सब रखा हुआ है, बट मैं इतना इसको यूज़ नहीं करती और ना ही प्रेफर। ओके, सो ये पीछे बटर, ये ईस्ट, अगेन गार्लिक सॉस, दिस इज़ मोज़रेला चीज़, खोया, ये भी चीज़ और ये भी चीज़, ये भी चीज़, सो अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ चीज़ हेयर। सो दैट्स इट, डेली ड्रॉअर में इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अंदर से तो मैं नहीं दिखा सकती, मैं इनको निकाल रही हूँ बाहर बॉक्सेस को, ताकि मैं आपको थोड़ा गाइड भी कर दूँ कि मैं सब्जियाँ और फल किस तरह से स्टोर करती हूँ। ओके, ये वेजिटेबल ड्रॉअर आप लोग क्विकली देख लीजिए। मैंने क्या किया, आज ही डॉलर स्टोर से ये दो बास्केट्स मैंने बाय की। सो इसमें ये आ गए टमाटर जो कि मैंने धो के रखे हुए हैं, और ये शिमला मिर्च, वो लेटस और एक लेमन, लेमन मुझे और बाय करने थे, मैं भूल गई। सो दैट्स इट, ये हो गया वेजिटेबल ड्रॉअर, और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, चले मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं फल और सब्ज़ियाँ जो हैं वो स्टोर करती हूँ। प्लस ये कि एक दफ़ा आप थोड़ा सा कर लें प्रिपरेशन, तो फिर ये कि पूरा वीक और मोर देन अ वीक आपको फिर आसानी रहती है। अच्छा जी, ये देखिए, ये है सैलरी, और ये मैं सैंडविचेस वगैरह और जूस बनाने में यूज़ करती हूँ, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो इसको आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि अगर आप वॉश करते हैं तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाती है। जिस तरह से बाज़ार से लाया उसको जस्ट कट किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबी होती है, और इस तरह से बॉक्स में डाल दिया। यहाँ पर ये देखें धनिया, वो मैंने बताया था कि मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, ये धनिया हो गया। अच्छा, इसमें ये मैंने आज ही डॉलर स्टोर से बाय किए। अच्छा, इसका मैं बताना भूल गई, ये जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं दे आर माय फेवरेट एंड दीज आर फ्रॉम वॉलमार्ट, ये मैंने वहाँ से बाय किए हैं, ऐसे कंटेनर कहीं नहीं मिलते और लाइक दे आर बिग, तो ये मैंने प्लास्टिक के यूज़ किए हैं। दिस इज़ ग्लास कंटेनर, और ये है ब्लूबेरीज, और ये कंटेनर मैंने आज डॉलर स्टोर से लिए हैं। अच्छा, सेकेंड अगेन ग्लास कंटेनर फ्रॉम डॉलर स्टोर, एंड इसमें मैंने ग्रीन चिलीज सेट की हुई हैं। और ये जो बॉक्स है इसमें क्या है, अगेन हमारे घरों में धनिया पुदीने का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये पुदीना और धनिया, ये पुदीना थोड़ा ख़राब ही हो रहा है, बट ये कि फिर मैंने यहाँ साइड में ही लगा दिया, आई डोंट नो यूज़ होगा या फिर मैं फेंक दूँगी। सो दैट्स इट। ओके जी, तो इस साइड का ये है लास्ट ड्रॉअर विच इज़ प्रोड्यूस और मीट, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ वैसे तो आप चाहें तो मीट भी रख सकते हैं, और इस ड्रॉअर के अंदर कूलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम जो है वो इसमें मिल्क रखते हैं, तो मिल्क यहाँ इस तरह से पाउच में आता है, सो बहुत कन्वीनियंट रहता है, ये इतना स्पेस भी नहीं लेता, और
बाकी ये कि फिर जो बड़ा फ्रीज़र है उसमें भी होता है, तो जैसे जैसे ज़रूरत होती है फिर वो मैं यहाँ शिफ्ट करती जाती हूँ। सो यहाँ पर होता है मिल्क एंड दैट्स इट। सो देखा आपने, मैंने कोई इसमें मैंने कंटेनर और ढेरों ढेर बास्केट्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है लोग बाय कर लेते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि फ्रिज इट्सेल्फ आप देखें, इसके अंदर पूरे खाने बने हुए हैं, पूरे ये देखें सेक्शंस बने हुए हैं, तो पूरा शेल्विंग सिस्टम है, पूरे ड्रॉअर्स हैं, देन आपको फिर फर्दर इतने कंटेनर और डब्बों की क्या ज़रूरत है। वो तो फिर डब्बा फ्रिज ही बन जाएगी और फिर आप डब्बों को भी धोते रहें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें दे डू नीड कंटेनर्स और उसमें वो बहुत अच्छी भी रहती हैं, फ्रेश भी रहती हैं। जस्ट लाइक ये एग्स आप देखें एक बॉक्स में आ गए, और बाय द वे ये भी वही वॉलमार्ट का है कंटेनर, और ये घर घर में मौजूद होता है ये जार, बस ये एक एडिशनल है। और कह लें आप अगर ख़र्चे का कह लें तो वो सिर्फ यहाँ पे हुआ है बॉक्सेस में, और ये दो बकेट्स, दैट्स इट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीज़र। फ्रीज़र भी बहुत सिंपल है, मैंने हद से ज़्यादा इसको भरा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब तक आपको समझ आ ही गया होगा फ्रिज साइड भी देख के कि मैं वही रखती हूँ जो यूज़ में आता है। ख़ुद ब खुद आपकी फ्रिज जो है वो फिर साफ़ भी रहती है, और उसमें बस यूज़फुल चीज़ें होती हैं, आप मेंटली भी ऑर्गेनाइज रहते हो, और आपको फिर पता होता है कि हाँ भाई यही हम खाते हैं, यही पकाते हैं, और यही हमारे फ्रिज में होना चाहिए। तो फ्रीज़र सेक्शन में सबसे पहले ये देखिए टॉप पर ये है आइस क्यूब्स, जो कि हम शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, बस जस्ट मैंने रखा हुआ है। ये स्माइलीज़ हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ नहीं हुए क्योंकि मैं होममेड स्माइलीज़ ही बनाती हूँ। ये बड़ा बैग है फ्रोज़न पीस का, पीछे रखी हुई वनीला आइसक्रीम, कभी कभार वैसे होममेड ही खाते हैं बट समटाइम ये वाली खा लेते हैं। और यहाँ पे था आइस बॉक्स जो कि मैंने निकाल दिया है, वो इसलिए कि अगेन हम लोग आइस जो है वो नहीं यूज़ करते, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो वो ये कि बिला वजह की जगह लेता था, तो वो तो मैंने निकाल दिया, गैराज में रखा हुआ है। अच्छा, ये कुछ बोनलेस था है जो कि एक्चुअली मैंने निकाला था पर यूज़ नहीं किया, तो मैंने एज इज़ यहाँ रख दिया है। सो बेसिकली मैं मीट इस फ्रीज़र में नहीं रखती, वो जो दूसरा बड़ा फुल फ्रीज़र है उसमें जो मंथली चीज़ें जो स्टोर करनी होती हैं सब वहाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं क्विकली आपको बता दूँ, ये देखें ऐसे फिर आप देख लें, ये कंटेनर हैं, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, बड़े ज़बरदस्त ये रहते हैं ट्रांसपेरेंट, तो इसमें फिर मैं जिप लॉक में सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब्जियाँ हैं, कुछ फल हैं कटे हुए धुले हुए सब, और डेट डाली हुई है ऊपर। अगेन दे आर द सेम कंटेनर फ्रॉम वॉलमार्ट। आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, ये रखा हुआ है डॉन पराठा, ये समोसा पट्टी, और इसके नीचे भी समोसा पट्टी है, और पीछे वो रखे हुए हैं फ्रोज़न पराठे। ये अच्छा, ये कड़ी पत्ता रखा हुआ है, और लास्ट ये बस ये चिकन फ्रोज़न है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये, दैट्स इट। तो बाकी मैंने आपको बताया पूरा मीट वगैरह वो सब दूसरे फ्रीज़र में होता है। इसके डोर साइड में यहाँ पे ये फ्राइज़ का पैकेट, ये अनाया के फेवरेट फ्राइज़ हैं, वो होममेड नहीं खाती तो ये पर मजबूरी में लाने पड़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ रखी हुई है फ्रोज़न भिंडी, आज ही मैं लाई थी 4 पैकेट क्योंकि बहुत अरसे से मिल ही नहीं रही थी। मैं जब भी जा रही थी मॉल तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक ना, तो फिर ये मैं आज 4 पैकेट ले आई। सो यहाँ पर रखी हुई है भिंडी, और ये भी 3, और यहाँ पे भी ये 3 पैकेट भिंडी के ही हैं फ्रोज़न, और ये 2 पैकेट फ्रोज़न पालक के, ये देखिए, और लास्ट में क्या है वो रखा हुआ है चिकन क्यूब, फ्रीज़ किया हुआ मैंने उसको, यानी यखनी चिकन की, और ये बस स्प्रिंग रोल पेस्ट्री एंड दैट्स इट।
अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त और बहुत जल्द मुलाकात होगी। और डोंट फॉरगेट कि आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि नेक्स्ट लाइक इस तरह की जो वीडियो है वो मुझे क्या बनानी चाहिए। तो जो आप बोलेंगे वही मैं शूट करूँगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। किरण, thank you.